हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ड्रीम यूके। मेरे को अपनी वीडियोस पे कुछ कमेंट्स आ रहे थे जिसमें जो कुछ आने वाले स्टूडेंट्स हैं वो पूछ रहे हैं कि 2024 में यूके में आना वर्थ इट है कि नहीं। सो इसी टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। तो आपने न्यूज़ तो देखी होगी कि यूके में रिसेशन आ गया। रिसेशन का मतलब होता है कि अगर दो क्वार्टर्स तक लगातार इकॉनमी श्रिंक होए या ग्रो ना होए, ज़ीरो से कम रहे, तो वो टेक्निकल रिसेशन हो जाता है, और जो कि अभी यूके उस टेक्निकल रिसेशन में है। सो इकोनॉमिक कंडीशन अभी अच्छी नहीं चल रही है। इवन दो जो यहाँ बैंक ऑफ इंग्लैंड है या फिर जो गवर्नमेंट है वो कह रहे हैं कि ये सिर्फ टेक्निकल रिसेशन है, ये बहुत वीक रिसेशन है, ये इस साल के एंड तक ठीक हो जाएगा और इन्फ्लेशन भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी, जो कि अभी काफ़ी ज़्यादा चल रही है। इन्फ्लेशन जो 2022 था तब तो 10% थी, 2023 में 4% थी। अब देखते हैं 2024 का डेटा क्या आता है, जबकि 2019 में 2% या उससे कम रहती थी इन्फ्लेशन। तो आप देख पा रहे होंगे कि अभी इन्फ्लेशन, महंगाई भी कितनी ज़्यादा बढ़ रखी है। तो देखो, ऐसी इकोनॉमिक सिचुएशन में ना, अगर आपकी कंपनी अच्छा नहीं कर रही, अगर आप ऑलरेडी यहाँ पे जॉब कर रहे हो, तो एक आपको इम्पैक्ट ये महसूस हो सकता है कि आपका इंक्रीमेंट ना हो, आपका प्रमोशन ना हो, क्योंकि आपकी कंपनी ग्रो नहीं कर रही। बट अगर आप एक मार्केट में एंटर करने वाले हो, तो मैं आपको सिचुएशन बताता हूँ। आए दिन मैं लिंक्डइन पर देखता हूँ कि किसी को ले ऑफ कर दिया है, जॉब से निकाल दिया है। कभी मैंने इतने लोगों को पोस्ट करते हुए नहीं देखा ले ऑफ के लिए कि उनको जॉब से निकाल दिया है। और इतनी ख़राब सिचुएशन हो गई है कि अगर कोई परमानेंट एम्प्लॉय भी है किसी कंपनी में, तो उसको भी ये फीलिंग नहीं आती कि वो फुली सिक्योर है। उसको भी पता है कि चीज़ें ख़राब हो तो उसकी जॉब निकल सकती है। और कभी मेरे को नहीं लगता लोग इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा करते थे कि जॉब से निकाल दिया जाएगा, जस्ट बिकॉज यू नो ऑल ऑफ दिस इकोनॉमिक सिचुएशन दैट इज़ इन प्लेस राइट नाउ। तो ये सिचुएशन है कि लोगों को निकाला जा रहा है, और उससे होता क्या है कि जो लोग निकल रहे हैं वो जॉब मार्केट में आते हैं कम्पीट करने, और जॉब मार्केट में जॉब्स ऑलरेडी इतनी कम है क्योंकि जिन कंपनीज़ का बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा उन्होंने अपनी हायरिंग फ्रीज लगा रखी है। तो लोग बढ़ गए हैं, स्किल्ड लोग जॉब अप्लाई करने के लिए, जॉब्स कम हो गई हैं, और जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं जिनके पास यूके का वर्क एक्सपीरियंस नहीं है या फिर जिनके पास जनरली वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, उनके लिए और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता जा रहा है जॉब को सिक्योर करना। और इसके साथ साथ जो वीज़ा रेगुलेशंस हैं, वो वीज़ा स्पॉन्सरशिप का तो आपको पता ही है कि रूल्स कितने स्ट्रिक्ट कर दिए हैं। अगर आपकी जो सैलरी है वो एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड तक नहीं है, 38,700 पाउंड्स आई थिंक, उससे ऊपर नहीं है तो आपको वीज़ा स्पॉन्सरशिप नहीं मिलेगी। अगर आप वो न्यू एंट्रेंट वाला 30% डिस्काउंट भी उस पर ले लेते हो, तो उसके बाद भी आप यहाँ पे अप टू 4 ईयर्स रह सकते हो अपना स्टूडेंट वीज़ा ख़त्म करने के बाद। तो PR आपको उस रूट में नहीं मिलेगी, न्यू एंट्रेंट रूट में। और उसके साथ साथ ग्रेजुएट वीज़ा पे भी अभी कोई श्योरिटी नहीं दी है कि ग्रेजुएट वीज़ा रहेगा या नहीं रहेगा। वो 2024 तक कह रहे हैं कि टूवर्ड्स दी एंड वो अपना रिव्यू कम्प्लीट करेंगे और बताएंगे। तो वैसे तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो स्टूडेंट्स यहाँ पे आ चुके होंगे उनके साथ ऐसा नहीं करेंगे कि वो ग्रेजुएट वीज़ा के लिए एलिजिबल ना हो। बट यू नो, जब तक कोई पेपर पे रिटर्न चीज़ नहीं होती, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पे, हमें कोई चीज़ अज्यूम करके नहीं चलनी चाहिए। और ये भी सिचुएशन है, बोल रहे हैं कि साल के एंड तक चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आप में से कुछ लोग सोचेंगे कि अभी आप तो इस साल आओगे, फिर अगले साल ग्रेजुएट होगे और उसके बाद जॉब्स देखोगे, तब तक तो चीज़ें ठीक हो जानी चाहिए। तो देखो, अगर मैं अपनी बात करूँ, अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं कैसे सोचता। किसी भी कंट्री में जाने के लिए ना, दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो आपको उस कंट्री की तरफ अट्रैक्ट करती हैं। एक तो उसकी जॉब मार्केट होती है, और दूसरा होता है वहाँ के वीज़ा रेगुलेशंस। अगर दोनों पॉजिटिव हो तो वो डेस्टिनेशन बहुत अच्छी बन जाती है कि आप वहाँ पर जाके जॉब भी कर सकते हो, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, उसके साथ साथ आपके पास वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस भी नहीं होंगी, तो आप वहाँ पर लंबे समय के लिए विदाउट हेक्टिक आप वहाँ पे जॉब कर सकते हो। यूके में सीन ये हो रखा है कि जॉब मार्केट भी अभी बैठी हुई है। जब मैं आया था तब कोविड से अफेक्टेड थी, उसके बाद यहाँ पे यूरोप में वॉर स्टार्ट हो गई, जब मैं ग्रेजुएट हुआ तो तब सिचुएशन ख़राब हो गई, तब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया था जॉब लेना। और अब यूके में खुद रिसेशन आ गया है, तो इनको अपनी इकॉनमी संभालनी, इन्फ्लेशन कम रखते हुए इकॉनमी को ग्रो करना है, जो कि डिफ़िकल्ट होता है अगर आप लोगों को इकोनॉमिक्स पता हो तो
ऐसी सिचुएशन है, अब देखो मेरे भी इतने सारे दोस्त हैं जो यूके में काम कर चुके हैं, उनके पास अब यूके का वर्क एक्सपीरियंस आ गया है, उनको भी अभी वीज़ा स्पॉन्सरशिप नहीं मिल पा रही, उनको भी अभी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पा रही है, इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट जॉब मार्केट है। और यही जॉब मार्केट क्या होगी अगर बाई चांस ग्रेजुएट वीज़ा नहीं रहता या फिर वीज़ा स्पॉन्सरशिप के तो थ्रेशोल्ड बहुत ज़्यादा बढ़ी गए हैं। जब आप आ जाओगे तब आपको महसूस होगा कि यहाँ पर कितना डिफ़िकल्ट हो सकता है जॉब लेना। आपकी खुद के रीज़न्स हो सकते हैं, आप ऐसी सिचुएशन में भी यहाँ पर आना चाहोगे बाई अज्यूमिंग कि नेक्स्ट ईयर तक चीज़ें काफ़ी इम्प्रूव हो जाएंगी, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाएंगी, ग्रेजुएट वीज़ा भी रहेगा, और भी आपके रीज़न्स हो सकते हैं। शायद आपका बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया जिसको आप लूज़ नहीं करना चाहते हो, या फिर आपका फैमिली बिजनेस है इंडिया में लेकिन आप थोड़े टाइम यहाँ पे आके इंटरनेशनल एक्सपोजर लेना चाहते हो। सो वो सारे पॉइंट्स ठीक है, आप यहाँ पे आ सकते हो, मैं आपको मना नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रहा था अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं कैसे सोचता। अगर आप यहाँ पे आना चाहते हो आओ, इट्स योर डिसीजन, बट कीप दिस इन माइंड, अगर आप यहाँ पे पिछले साल आते सेप्टेम्बर इनटेक में या उससे पिछले साल वाले सेप्टेम्बर इनटेक में आते, उन स्टूडेंट से आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी जॉब मार्केट में कम्पीट करने के लिए, बिकॉज कॉम्पिटिशन तो बहुत बढ़ गया है। तो जब मैं भी यहाँ पे आया था मैंने सोचा था कि 2021 में तो कोविड का इम्पैक्ट था, बट जब मैं ग्रेजुएट हो जाऊँगा 2022 में तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी, बट फिर यूक्रेन की वॉर हो गई, उसके बाद क्या कहते हैं यहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया, इतनी महंगाई बढ़ गई और अब यहाँ पे रिसेशन आ रहा है। तो देखो हर साल आप अज्यूम करके कुछ चलते हो कुछ और जाता है, तो सारी चीज़ें अजम्पशंस पे भी नहीं चलती। सो क्या गारंटी अगले साल तक चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अभी मिडल ईस्ट में भी चीज़ें ख़राब हो रखी हैं और अभी इतने सारे इलेक्शंस होने हैं, इंडिया में होने, US में होने, UK में होने और पता नहीं कितनी कंट्रीज़ में इलेक्शंस होने हैं, तो देखो उसका भी क्या इम्पैक्ट आता है बाहर का जो सिनेरियो है, स्टडी अब्रॉड का जो सिनेरियो है। सो बहुत सारी चीज़ें अभी चेंज होनी है, इंस्टेबिलिटी बहुत है, फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना अभी डिफ़िकल्ट हो रहा है। ऑब्वियसली ऑन दिस काइंड ऑफ वीडियोज़ आई कांट गिव यू अ श्योर शॉर्ट आंसर, बिकॉज अगर हम नॉन टेक और टेक रोल्स के बारे में बात करें, क्या पता अगले साल नॉन टेक के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो लेकिन टेक रोल्स में फिर भी बहुत डिमांड हो। सो बहुत सारे सिनेरियोज़ होते हैं जो सिचुएशंस को इम्पैक्ट कर देते हैं। मैंने आपको अभी करंट सिचुएशन बता दिया, अब आपको अपने पर्सनल सर्कमस्टांसेस को मैच करना है सिचुएशन से और देखना है कि आपको क्या सही रहेगा इन द फ्यूचर। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, टेक केयर, बाय।